अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू से बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार किड्स फेवरेट नाश्ता। ये नाश्ता बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आलू लिया था, आलू का छिलका निकाल लेना है। अब इसे अच्छे से वॉश कर लेना है और छोटे छोटे टुकड़ों में हमें कट कर लेना है। तो आलू के छिलके को मैंने निकाल लिया है, अब इसे कट कर लेंगे और बॉईल कर लेंगे ताकि आलू अच्छे से बॉईल हो जाए। अगर आप चाहें तो छिलके के साथ भी बॉईल कर सकते हैं, मैं हमेशा इसे छिलका निकाल के बॉईल करती हूँ। तो दोस्तों, आलू भी अच्छे से बॉईल हो चुका है, अब इसे हम मैश कर लेते हैं फोक की हेल्प से। अगर आप चाहें मैशर की हेल्प ले सकती हैं। ध्यान रहे दोस्तों, इसे हमें बहुत ही अच्छे से मैश करना है ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ ना हो। तो ये प्रोसेस अगर आप गर्मा गर्म पे करेंगे तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसे अच्छे से मैश कर लिया है, अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, कलर अच्छा आएगा, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास हरा धनिया नहीं है तो आप स्किप भी कर सकती हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, हमें बहुत ही अच्छे से मैश करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे 1/4 कप कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर नहीं है, कॉर्न स्टार्च ले सकते हैं। कॉर्न स्टार्च भी नहीं है तो आप मैदे का इस्तेमाल कर सकती हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, हल्के हाथों से करेंगे और एक अच्छा सा डो बना के तैयार कर लेना है। आलू के अंदर मॉइस्चर होता है जिससे कि कॉर्नफ्लोर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा और एक अच्छी बाइंडिंग बनेगी। तो इस तरीके से मैंने एक अच्छा डो बना लिया है। डो भी बन के तैयार हो चुका है, अब इसे रखते हैं साइड पे और हाथों को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम हाथों को वॉश करने के बाद थोड़ा सा ऑयल लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और एक अच्छा सा बड़ा सा पेड़ा बना के तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक शीट लिया है, पॉलीथीन है, तो आप सभी के घरों में यह अवेलेबल होती है। अक्सर हमारे घरों में कपड़े वगैरह आते हैं उसके ऊपर होती है, तो उसी पॉलीथीन का मैंने इस्तेमाल किया है। ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया था और पेड़े को रखने के बाद मैंने फिंगर की हेल्प से हल्का हल्का सा इसे बड़ा किया है। बहुत ही आसानी से ये बड़े हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो बेलन की हेल्प ले सकती हैं। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से हमें बेल लेना है और एक अच्छा सा स्क्वायर शेप बना के तैयार कर लेना है। बहुत ही हल्के से हमें बेलना है। ये पॉलीथीन पे करने से एक रीज़न है कि इसमें चिपकेगा नहीं और आपकी रेसिपी है जो है काफ़ी आसानी से और परफेक्ट बनके तैयार हो जाएगी। अब हम इसे किनारे की साइड को प्रेस करेंगे फिंगर की हेल्प से ताकि हमें एक स्क्वायर शेप मिल सके। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने कर लिया है, एक अच्छा सा शेप बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी और टेस्टी क्रिस्पी सी रेसिपी है। तो देखिए दोस्तों, इसे मैं बना के तैयार कर लिया है। अब इसे हम 1/2 इंच की लंबाई यानी चौड़ाई रखते हुए इसे कट करेंगे। तो अपने हिसाब से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, जो भी शेप आपको पसंद हो। किनारे के साइड जो एक्स्ट्रा है हम उसे कट करके निकाल लेंगे, दोबारा से पेड़ा बना लेंगे। अब इसे हम फिर से कट करेंगे तो एक अच्छा सा स्क्वायर शेप हमें मिल जाता है। तो एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल लेते हैं। अब इसे हम स्पैचुला की हेल्प से या फिर
नाइफ़ की हेल्प से निकाल लेते हैं, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये नाश्ता बिल्कुल भी टूटता नहीं है। तो इस तरीके से आप इसे बना के स्टोर कर सकते हैं, और जब भी कुछ अच्छा दिल करे खाने का तो आप निकालें, झटपट से फ्राई करें और इंजॉय करें। तो दोस्तों इसे मैंने निकाल लिया, आप देख सकते हैं हाथों से भी इजली निकल जा रहे हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रहे हैं। तो बाकी के नाश्ते को ऐसे ही निकाल लेना है। अगर थोड़ा बहुत टूट जाते हैं तो फिंगर की हेल्प से आप सेट कर लीजिएगा, अच्छे से सेट हो जाते हैं। तो इसे मैंने एक साइड पे रख दिया है, गैस पे रख दिया है ऑयल गर्म होने के लिए। जब तक कि ऑयल गर्म हो रहा है बाहर का नज़ारा ले लेते हैं। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, इसलिए मेरा कुछ अच्छा खाने का दिल हो रहा था, तभी मैंने ये स्नैक रेसिपी बनाई है और आप लोगों के साथ मैंने सोचा शेयर कर दूं। बातों ही बातों में ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर 1 by 1 करके सभी नाश्ते को ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करेंगे। आप फ्राई करने के लिए मीडियम फ्लेम का ही इस्तेमाल किया करें, जिससे कि आपके नाश्ते क्रिस्पी बनेंगे और ज़्यादा देर के लिए क्रिस्पी बने रहेंगे। तो आप देख सकते हैं नाश्ता बहुत ही अच्छे से फूल रहा है, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रेसिपी है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो इस तरीके से हम इसे पलट देंगे, पलटते पलटते हम इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक के लिए फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों पोटैटो से रिलेटेड मेरे चैनल पे बहुत सारी रेसिपीज़ अवेलेबल हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेकआउट करिएगा, इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो इस तरीके से मैंने सभी नाश्तों को पलट दिया है, अब इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेते हैं। कलर देखें बहुत अच्छा है, तो ये अच्छे से कुक हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। कलर देख के ही अंदाज़ा लगा सकती हैं कि ये नाश्ता कितना ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बना होगा। तो सभी नाश्ते को मैंने निकाल लिया है, अब दूसरे बैच को भी ऐसे ही हम फ्राई कर लेते हैं। बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, वरना मैं आपको इसकी क्रिस्पीनेस सुनाती, कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना हुआ है। तो ये देखे दोस्तों मैंने इसे सर्व कर लिया है, अगर आप चाहें टोमेटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखे दोस्तों ये नाश्ता बनके तैयार हो चुका है, बारिश अभी भी बंद नहीं हुई है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। तो इसे चाय के साथ हम इंजॉय करते हैं। अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मैं मिलूँगी इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।